खबर शामिल करते हैं लिया से। हमारे ब्यूरो चीफ अहमद अली खरल की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 लिया ने ईद उल अज़हा के हवाले से रेस्क्यू 1122 लिया का जामिया ड्यूटी प्लान जारी कर दिया। डॉक्टर सज्जाद अहमद का कहना था कि ईद उल अज़हा के मौके पर हादसा समेत किसी भी किस्म की एमरजेंसी में लोगों को बरवक्त इमदाद फराहम करने के लिए रेस्क्यू लिया का ड्यूटी प्लान जारी कर दिया गया है। तमाम स्टाफ की छुट्टियां मंसूख करने के साथ साथ इंस्पेक्शन टीम भी तश्कील दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर सज्जाद अहमद ने बताया कि इंस्पेक्शन टीम तश्कील दे दी गई है जो तमाम रेस्क्यू पोस्टों का मुआयना करेगी। रेस्क्यू कंट्रोल एंड कमांड और तमाम स्टाफ को 24 घंटे अलर्ट रहने की हदायत दी गई हैं, जबकि कंट्रोल रूम में कॉल रिकॉर्डिंग व्हीकल ट्रेनिंग सिस्टम और IP कैमरा के जरिए निगरानी की जाएगी। ज़िला भर में मुख्तलिफ मुकामात पर ईदगाहों और जामिया मस्जिद के बाहर रेस्क्यू पोस्टें कायम की गई हैं। इनके साथ साथ तमाम एम्बुलेंस और रेस्क्यू व्हीकल्स हिमावत मौजूद रहेंगी ताकि बिला तखीर शहरियों को बरवक्त तबी इमदाद फराहम की जा सके।